अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मीना आसिफ। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बहुत ही इजी और सिंपल सा आज का आई मेकअप आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि वेडिंग सीज़न है तो मैंने आप लोगों से कहा था कि अच्छे अच्छे से मेकअप लुक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोग भी वेडिंग सीज़न को इन्जॉय कर सकें। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में, रिलेशन में कहीं कोई वेडिंग है, तो आप लोग ये अच्छे अच्छे से मेकअप खुद ही क्रिएट कर सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये प्यारा सा सॉफ्ट सा तो नहीं कहेंगे, वेरी सिंपल सा आई मेकअप मैंने किस तरीके से क्रिएट किया है। तो चलिए सीखते हैं, वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि ये बहुत ही इजी स्टेप के साथ मैंने करना बताया है। तो यहाँ पर मैंने फेस को अपने प्रेप कर लिया था और प्राइम कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे आईब्रोज़ को अपने शेप दे रही हूँ। शेप देने के लिए मैंने ब्राउन केक लाइनर यूज़ किया है। आप लोग कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं, जेल लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रो पॉमेट भी यूज़ कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट आप लोग के पास हो, आप लोग वो उसके साथ मेकअप ईजिली कर सकते हैं। बस मेरे मैथड को फॉलो किया करें, टेक्निक्स को देखा करें और नीट एंड क्लीन मेकअप करने की कोशिश किया करें। ओप्रा ब्रांड का मैंने यहाँ पे बेस यूज़ किया है, आई बेस है, बहुत ही कमाल का है। इसका छोटा सा रिव्यू मैंने दिया है अपने चैनल पे, अगर नहीं देखा तो इसका लिंक आई कार्ड पे दे दूँगी, तो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सी बेस है, फुल कवरेज है और बालों को भी, छोटे से छोटे बालों को बहुत अच्छे से हाइड कर देती है। यहाँ पर मैंने मैट शेड यूज़ किया है स्लिस ब्यूटी का, डार्क ग्रीन कलर का ये आई शेडो है। और थोड़ा सा मैंने पानी यूज़ किया है ब्रश के अंदर, फिर पानी की मदद से मैंने इसको अपने आईलिड के ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ। जितना मेरे आईलिड का एरिया है, बस एक डी के सूरत में मैंने इसको अप्लाई किया है। नेक्स्ट मैंने मैट आई शेडो लिया है, वो भी स्लिस का ही है, येलो कलर का, और एक छोटू से ब्रश के साथ जो ग्रीन के एजेस बन गए हैं ना, उसको मैं ब्लेंड करने के लिए इस येलो को यूज़ करूँगी। येलो और ग्रीन जब मिक्स होते हैं तो एक डिफरेंट कलर बन जाता है, जो कि ब्लेंड होने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो कलर्स से खेला करें, कलर्स की ब्लेंडिंग, एक से दो, दो से तीन कलर्स को मिला के जब आप लोग मेकअप करेंगे, ब्लेंडिंग करेंगे ना, तो बहुत ही खूबसूरत एक नई चीज़ बन जाती है। तो यहाँ पर मैंने थर्ड आई शेडो लिया है, ये भी स्लिस ब्यूटी का है, रेड कलर का मैट आई शेडो है। ये भी मैंने वाटर के साथ अप्लाई किया है, फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैंने जो आईलिड का सेंटर का एरिया था, बिल्कुल नीटली मैंने यहाँ पर अप्लाई कर लिया है। ज़रूरी नहीं है कि मैं वाटर के साथ यूज़ कर रही हूँ, आप लोग किसी भी आई शेडो पैलेट के साथ इन शेड्स को अप्लाई कर सकते हैं। कलर जो है आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग चॉइस करें। यहाँ पर मैंने रेड, ग्रीन और येलो के साथ कॉम्बिनेशन किया, आप लोग अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा, देखें यहाँ पे हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो गया। अपने लोअर लैश लाइन के नीचे भी मैं ग्रीन शेडो लगा रही हूँ, वही मैट आई शेडो जो मैंने ब्रश के अंदर था, उसी को मैंने नीचे अपने लोअर लैश लाइन के अंदर अप्लाई कर लिया है। ग्रीन आई शेडो अप्लाई करने के बाद येलो मैंने इसके साथ मिक्स किया और नीचे से ब्लेंड कर लिया है। केक आई लाइनर यूज़ कर रही हूँ, ये भी स्लिस ब्यूटी का है। आप लोग के पास जेल लाइनर हो, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, केक लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं और लिक्विड आई लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा मैंने यहाँ पर आई लाइनर लगाया है। आउटर से थोड़ा सा विंग बनाऊंगी अपने चैनल पे, बिगनर्स के लिए आई लाइनर की भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आप लोगों को लाइनर लगाने में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका भी लिंक आई कार्ड पर दे दूंगी, तो ज़रूर एक दफ़ा मेरी वीडियो को देखिएगा। आई होप आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इनर से मैंने थोड़ा सा बाहर निकाला है ताकि अपनी आई को मैं खूबसूरत सा लुक दे सकूं। और यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा बाहर निकालने से मेरा आई लुक कितना हसीन लगेगा, देखें कितना खूबसूरत शेप आया है। और बिल्कुल सिंपल सा मैंने यहाँ पर आईलाइनर अपनी आई पे अप्लाई कर लिया है। वाओ, देखा लाइनर की टेक्निक अगर आप थोड़ी सी चेंज करें ना, तो बहुत ही खूबसूरत आपकी आईज लुक नज़र आती हैं। यहाँ पर मैं ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ। आप लोगों के पास कोई भी ग्लिटर हो या ग्लिटर लाइनर हो, आप इस तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ज़रूरी नहीं है कि जो ग्लिटर मैं यूज़ कर रही हूँ आप लोग वही ग्लिटर यूज़ करें, आप लोग ग्लिटर लाइनर या जो भी ग्लिटर है उसको अप्लाई कर सकते हैं सीलर के साथ। और यहाँ तक मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो गया है। मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, भर भर के लगाना है अपर एंड लोअर आईलैशेस के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे मैंने वाटर लाइन के अंदर APK की रेड कलर की जंबो आई पेंसिल यूज़ की थी। आप लोग वाइट भी यूज़ कर सकते हैं और ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लश ऑन अप्लाई कर लिया है, हाईलाइटर यूज़ कर लिया है, लैशेज़ भी अप्लाई हो गई हैं। और यहाँ पर मैंने लिप शेड भी लगा लिया है रेड कलर का। तो कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा लगा तो ज़रूर क्रिएट कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा,
शेयर भी कीजिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, मेंशन कर दूंगी, तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे मैं अपनी शॉर्ट वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।